Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I am Pooja B. Chaudhary और आपसे यही कहूंगी कि प्लीज अपनी लाइफ में मुझे थोड़ी सी जगह दे इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज बेस मेकअप से पहले मैं करूंगी अपने आईज, तो उसके लिए मैं ये सेलो टेप लगा रही हूँ। एंड देन आज मैं बहुत ही लाइट कलर का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ आई शेडो बेस बनाने के लिए। आज मैं एक एक्वामरीन कलर का आई शेडो यूज़ करूँगी, जिसको पॉप आउट कराने के लिए मुझे बहुत ही लाइट बैकग्राउंड चाहिए, क्योंकि डार्क स्किन पे लाइट पेस्टल ब्लू कलर बिल्कुल भी नहीं दिखता है। आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ कि हो सकता है कि कई जगह पे आपको लगे कि मेकअप बहुत वाइट दिख रहा है, बट डोंट वरी, फाइनल लुक तक सारे कलर सब्ड्यूड हो जाएंगे। कंसीलर बेस को सेट कर रही हूँ इस लूज पाउडर से, एंड देन इस हुडा पैलेट से ये सी ब्लू कलर लेकर मैं पहले अपर क्रीज पे एक आउटलाइन ड्रॉ कर रही हूँ एक स्मॉल फ्लैट शेडर ब्रश से। फिर एक स्मॉल फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश से उसे अपनी क्रीज पर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ इस तरह से। ओके, नाउ ब्लेंड करते वक्त यू डोंट नीड टू वरी कि ब्लेंडिंग मेसी ना हो, क्योंकि सेलो टेप इसीलिए लगाया है कि हमें एक क्लीन शार्प आई शेडो विंग मिले। ब्लेंड करते वक्त मैं आई शेडो को बाहर की तरफ पुल आउट कर रही हूँ वही विंग बनाने के लिए। कलर को हमेशा धीरे धीरे बिल्डअप करें, मतलब पहले थोड़ा सा कलर ब्रश में लेकर ब्लेंड करें, फिर दोबारा उसी पैलेट में डिप करके फिर से ब्लेंड करें, जब तक कि कलर अच्छे से दिखना ना शुरू हो। नेक्स्ट मैं ये डार्क ब्लू कलर एक स्मॉल टेपर्ड ब्रश में लेकर आउटर कॉर्नर पे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ फॉर दैट डिफाइंड विंग, एंड उसे एक फ्लफी ब्रश से ब्लेंड करके थोड़ा स्मोक आउट कर रही हूँ। फिर ये ब्लू शेड लेकर अपने अपर लिड पे पैक कर रही हूँ एक शेडर ब्रश से, एंड दोबारा फ्लफी ब्रश लेकर उसे क्रीज पे बफ कर रही हूँ ताकि आई शेडो सीमलेस दिखे। इसके बाद इस डार्क ब्लू कलर से दोबारा आउटर कॉर्नर को इंटेंसिफाई कर रही हूँ। इनर कॉर्नर पे लगा रही हूँ ये लाइट ब्लू कलर, एंड उसे लिट के ब्लू कलर के साथ मर्ज कर रही हूँ। सो सेलो टेप निकालने के बाद मुझे मिला एक क्लीन शार्प एज। वाटर लाइन को टाइट लाइन कर रही हूँ विद दिस जेल पेंसिल। आईज को थोड़ा सा और ग्लैमरस दिखाने के लिए मैंने लगाया है फॉल्स आईलैशेस। बेस मेकअप लगाने से पहले मैं ये एनवायरस का एंजल वेल प्राइमर लगा रही हूँ। ये प्राइमर स्किन पे थोड़ा वाइट कास्ट छोड़ता है, बट इट्स मेंट टू डू दैट। बट दिस इज एन अमेजिंग प्राइमर अगर आपको फुल कवरेज फ्लॉलेस बेस चाहिए तो, क्योंकि ना ये सिर्फ ओपन पोर्स एंड स्किन टेक्सचर को ब्लर करता है, बट किसी भी कंसीलर या फाउंडेशन को फुल कवरेज बना देता है, जिससे स्किन के हर ब्लेमिशेस एंड डार्क स्पॉट छिप जाते हैं एंड फाउंडेशन को बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बना देता है। ये बहुत ही अजीब, अच्छा वाला अजीब प्राइमर है।
तो अब मैं ब्लेमिशेस को कवर करने के लिए अपने स्किन से मैच करता हुआ कंसीलर लगा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फाउंडेशन नहीं यूज़ करूँगी आज, इसीलिए ये सेम स्किन टोन वाला कंसीलर लगा रही हूँ। मैं जो भी प्रोडक्ट्स आज यूज़ कर रही हूँ उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। कंसीलर को ब्लेंड करने से पहले मैं ये सेटिंग स्प्रे स्प्रिट्स कर रही हूँ, उसके बाद ही ब्लेंड करना शुरू कर रही हूँ, सो दैट कंसीलर स्किन से बाद में बज ना करे। नेक्स्ट मैं अंडर आई पे लगा रही हूँ ये लाइट कलर का कंसीलर एंड उसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, कॉन्सेंट्रेटिंग अराउंड द आईज स्पेशली, ताकि आई शेडो थोड़ा और क्लीन दिखे। आज मैं लगा रही हूँ ये मेबिलिन का फाउंडेशन। मैंने इस फाउंडेशन का सिर्फ 2 पंप लिया है और उसे पहले एक फ्लैट फाउंडेशन ब्रश से फेस पे अप्लाई कर रही हूँ एंड फिर ब्लेंड कर रही हूँ फेस, चिन, फोरहेड, नेक, हर जगह, ताकि कलर में यूनिफॉर्मिटी रहे और फेस और नेक का कलर अलग ना दिखे। Oh my God, check this out, इस प्राइमर का कमाल, no blemishes visible। आज कॉन्टोरिंग एंड ब्रॉन्जिंग के लिए मैं एक ही प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, ये मामा बहामा का ब्रॉन्जर है और थोड़ा कूल टोन वाला ब्रॉन्जर है। आज का बेस थोड़ा पेल है तो उसे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ये कूल टोन ब्रॉन्जर यूज कर रही हूँ, ये बेस के पेलनेस को घटाएगा और फेस को डेफिनेशन भी देगा। मैं यहाँ लगा रही हूँ एक पेल पिंक कलर का ब्लश। ब्लू आईज के साथ पिंक कलर का कोई भी शेड बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है, बट मुझे थोड़ा सा रोजी लुक चाहिए था तो मैंने ये कलर सिलेक्ट किया है। ये हाइलाइटर NYX का है और ये बहुत ज़्यादा इंटेंस है, तो अगर आप इसे कभी यूज़ करें तो हल्के हाथों से ही लगाएं। ये हाइलाइटर बहुत ज़्यादा लगा लिया तो पूरे फेस में सिर्फ हाइलाइटर ही दिखेगा। ब्राउ बोन को डिफाइन करने के लिए मैं आज ये मैट कलर लगा रही हूँ, तो लुक में ड्रामा ऐड करने के लिए मैं लोअर वाटर लाइन पे लगा रही हूँ ये इंडिगो ब्लू आई पेंसिल। ये कलर आईज को बहुत ज़्यादा एम्प अप कर देगा एंड फिर लोअर लैश पे लगा रही हूँ 2 कोट्स ऑफ मस्कारा। लिप्स को आज मैं न्यूड ही रख रही हूँ ये सॉफ्ट मैट न्यूड लिपस्टिक लगाकर। इस लुक के साथ बहुत ज़्यादा बोल्ड लिपस्टिक अच्छा भी नहीं लगेगा। एंड फाइनली सेटिंग स्प्रे लगाकर पफ से पूरे फेस को सेट कर रही हूँ। ये हाई ड्रामा एक्वामरीन आईज फॉर ऑल माई ड्रामा क्वींस। ये थोड़ा हटके लुक उन लोगों के लिए जो भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं, आई श्योर डू, बट मैं आप सब मेकअप लवर से बोलूँगी कि गिव दिस लुक अ ट्राई। हजारों की भीड़ में आप पे सबकी नज़र पड़ेगी ही पड़ेगी। आई मीन लाइफ में थोड़ा कलर डालना तो बनता ही है ना, वरना जिंदगी बहुत रूटीन और बोरिंग लगने लगती है। सो बीट दैट ब्लूज ऑफ माइंड बाय डॉनिंग दिस एग्जॉटिक ब्लू आईज। आज का ये लुक मैंने क्यूरेट किया है स्पेशली आप लोगों के लिए। अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड यस, लास्ट वीडियो में आप सबने कई तरह की वीडियो सजेशंस दी हैं एंड आई प्रोमिस मैं सारे आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करूँगी एंड आपके डिमांड के हिसाब से लुक क्रिएट करके लाऊंगी, क्योंकि आप और आपके ओपिनियन एंड सजेशंस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम आगे भी ऐसे ही इंटरेक्ट करते रहेंगे और हमारा बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग होगा। सो कीप दोज कमेंट्स कमिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में
एक और नए लुक के साथ। तब तक स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड कीप एडिंग कलर इनटू योर लाइफ। लव यू ऑल, बाय।